Good morning, all of you. Today, we will start our new chapter, Acid, Base and Salt. In this chapter, we will be studying about acids, bases and salt. So today, firstly, we know about periodic table. So in periodic table, total 118 known elements. अब वो जो एलिमेंट्स हैं वो आपस में मिलके क्या बनाते हैं, कंपाउंड फॉर्म करते हैं. तो एलिमेंट कंपाउंड बनाते हैं और जो कंपाउंड है हमने केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर उन कंपाउंड को तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया है, एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट. या तो उनकी प्रॉपर्टी एसिड में जाएंगी या बेसिस में या फिर सॉल्ट. अब हाउ कैन वी नो अबाउट कि दिस वन इज एसिड और दिस वन इज बेस. हम कैसे पता लगाएंगे कि ये एसिड है या बेस. तो इसको पता लगाने के लिए हमें क्या यूज करने पड़ते हैं, हम इंडिकेटर्स यूज करते हैं. तो इंडिकेटर्स क्या है, इंडिकेटर्स आर दो सब्सटेंस विच टेस्ट वेदर द गिवन सब्सटेंस इज अ एसिड और अ बेस. इंडिकेटर्स वो सब्सटेंस होते हैं जो ये टेस्ट करते हैं कि जो गिवन सब्सटेंस है वो एसिड है या फिर वो बेस है. अब इंडिकेटर्स दो टाइप के हो सकते हैं, एक हो सकते हैं नेचुरल इंडिकेटर और एक हो सकते हैं मैन मेड या फिर आर्टिफिशियल इंडिकेटर जो हम लैब वगैरह में बनाते हैं. तो जो नेचुरल इंडिकेटर्स हैं, नेचुरल इंडिकेटर्स क्या हैं, जो नेचुरल चीजों से बनते हैं. जैसे मान लो कि आपको लिटमस पेपर पता है, लिटमस पेपर या लिटमस सॉल्यूशन, ये एक पर्पल कलर की डाई होती है. किससे बनती है, हेलोफाइटा फैमिली के, हेलोफाइटा फैमिली के में एक प्लांट होता है लाइकन, है ना, लाइकन से बनती है. और इस लाइकन से ये बनाया जाता है. तो ये जो हो गया है नेचुरल चीजों से बन रहा है. तो नेचुरल चीजों से जो बनता है उसमें क्या होता है कि उसको हम नेचुरल इंडिकेटर्स कहेंगे, ठीक. और तो बच्चों हम क्या कह रहे थे कि हम इंडिकेटर्स की बात कर रहे थे. इंडिकेटर्स आर दो सब्सटेंस विच आर टेस्ट वेदर द गिवन सब्सटेंस इज एसिड और अ बेस. हमने नेचुरल इंडिकेटर्स की बात की. नेचुरल इंडिकेटर्स क्या होते हैं, जो नेचुरल चीजों से बनाए जाते हैं, यानी कि जैसे लिचन प्लांट है हेलोफाइटा फैमिली से, उससे बनाया जाता है. उसे हम वो पर्पल कलर की डाई होती है. और पर्पल कलर की डाई से अगर हम पेपर्स बना देते हैं तो ये क्या है आपके, ये क्या है, दीज आर द इंडिकेटर्स. ये क्या है, लिटमस पेपर है. तो ये ब्लू लिटमस पेपर है और ये है रेड. तो आप देख सकते हैं इसका कलर हल्का सा पिंकिश है. ये देखो, दिस इज लिटमस पेपर, ठीक है. तो ये लिटमस पेपर किससे बनाया गया है, लिचन प्लांट से बनाए गए हैं. ये नेचुरल इंडिकेटर्स. तो इंडिकेटर्स आर दो सब्सटेंस विच आर चेक वेदर द गिवन सब्सटेंस इज एसिड और अ बेस. अब हमें ये चेक करना है कि ये जो सब्सटेंस हमें दिया हुआ है ये एसिड है या बेस. तो इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे कि इसे चेक करने के लिए हम क्या करेंगे कि इसके अंदर ब्लू इंडिकेटर भी डिप करेंगे और रेड भी डिप करेंगे. तो अगर रेड चेंज हो जाएगा ब्लू में तो क्या होगा, ये बेस होगा. अगर रेड चेंज कुछ भी चेंज नहीं होगा तो क्या होगा, ये एसिड भी हो सकता है. फिर हम ब्लू इसमें डिप करेंगे तो ब्लू इंडिकेटर डिप करने से अगर ब्लू टर्न हो जाएगा रेड में तब वो क्या कहलाएगा हमारा, तब ये एसिड होगा, ठीक. तो अब हम ब्लू इंडिकेटर इसके अंदर डिप कर रहे हैं, ठीक है. तो ये क्या हो जाना चाहिए, रेड हो जाना चाहिए. तो ये ब्लू इंडिकेटर कैसा हो गया है, रेड हो गया है. तो ये क्या है हमारा, एसिड. दिस इज एसिड बिकॉज ब्लू इंडिकेटर टर्न रेड. अब ये हमारे इंडिकेटर्स हो गए कि ये टेस्ट करते हैं. इसमें हमने नेचुरल इंडिकेटर और सिंथेटिक इंडिकेटर्स की बात की. सिंथेटिक इंडिकेटर्स कौन कौन से हैं, इसमें है फिनोक्सिलीन. फिनोक्सिलीन क्या है, फिनोक्सिलीन एक इंडिकेटर का नाम है. ये कैसा होता है, कलरलेस होता है. लेकिन ये एसिड्स के अंदर क्या देता है, इसका ये कलरलेस ही रहता है लेकिन बेसिस के अंदर इसका कलर चेंज हो जाता है. तो फिनोक्सिलीन क्या है, फिनोक्सिलीन से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये जो सब्सटेंस हमें दिया गया है ये एसिड है. तो अगर हम इसके अंदर वो कलरलेस सब्सटेंस डालेंगे क्योंकि ये एसिड है तो इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगा, वो कलरलेस ही रहेगा. लेकिन अगर हम इस बेस के अंदर इंडिकेटर डालेंगे वो, तो क्या होगा, उसका कलर चेंज हो जाएगा. तो हम कलर चेंजिंग से बता सकते हैं कि ये इंडिकेटर, ये सब्सटेंस कौन सा है. अब इसके अलावा आपके में एक और इंडिकेटर्स है, वो है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर. ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कौन से होते हैं कि जो स्मेल से डिटेक्ट करते हैं, जिनकी हम स्मेल से डिटेक्ट करते हैं कि ये जो सब्सटेंस है ये एसिड है या बेस. उसमें क्या है, उसमें ओनियन पील आता है. ओनियन के जो ओनियन होती है उसको अगर हम
एक आपने कपड़ा लिया, क्लोथ लिया, और क्लोथ पर क्या किया, एसिड डाल दिया। अब एसिड के बाद उसके अंदर ओनियन को बांध दिया। अगर उसकी स्मेल आती है, ओनियन की जो स्मेल है वो आपको शो होती है, तो इसका मतलब अगर एसिड है तो शो होगी। अगर क्लोथ के ऊपर बेस लगा हुआ है तो आपकी ओनियन की स्मेल गायब हो जाएगी। तो इससे हम बता सकते हैं, एक बार दोबारा बता दीजिए। हाँ, ओनियन की स्मेल तब तक आती रहेगी जब तक अगर एसिड है उसके अंदर, मान लो उस क्लोथ के ऊपर एसिड लगा हुआ है, तो आपको ओनियन की जो स्मेल होती है वो आती रहेगी। और अगर उसके ऊपर बेस लगा हुआ है तो ओनियन की स्मेल गायब हो जाएगी। तो ये कहलाते हैं बेटा ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, जिन्हें हम स्मेल से डिटेक्ट करते हैं कि ये सब्सटेंस एसिड है या फिर ये सब्सटेंस बेस। तो ये पता लगाने के लिए हमें क्या करना होता है, ये हम इंडिकेटर्स को यूज करते हैं। अब इसके बाद आ जाते हैं इंडिकेटर्स के बाद टाइप्स ऑफ एसिड, कि कितने टाइप्स के एसिड होते हैं। टाइप्स ऑफ एसिड, एसिड दो टाइप के हो सकते हैं बेटा। एक होते हैं हमारे मिनरल एसिड, मिनरल एसिड, और एक हो गए हमारे ऑर्गेनिक एसिड, मिनरल एसिड एंड ऑर्गेनिक एसिड। जो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं वो क्या होते हैं, जो हमें ऑर्गेनिक सब्सटेंस से मिलते हैं, यानी कि जो भी नेचुरल चीजों से मिलते हैं वो होते हैं ऑर्गेनिक एसिड। और मिनरल एसिड्स कौन से होते हैं, जो हम बनाते हैं, यानी कि जो हम बनाते हैं वो कैसे होते हैं, मिनरल एसिड। ऑर्गेनिक जो नेचुरल चीजों से मिलते हैं। अब मिनरल एसिड्स में जो हमारे मेन एसिड्स हैं उसमें आते हैं HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड और HNO3 नाइट्रिक एसिड। अब ऑर्गेनिक एसिड कौन से हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स में वो एसिड्स आते हैं जो आप लोग घर में खा सकते हैं। जैसे आप लोग सिट्रिक एसिड नींबू के अंदर होता है तो आप लोग खा सकते हैं, तो टर्मरिक एसिड, तो ये सब जो होते हैं, टमाटो में जो एसिड होता है वो एसिड आप लोग खा सकते हैं। तो ये जो एसिड्स हैं जो हम ईटेबल हैं वो एसिड्स ऑर्गेनिक एसिड हैं, और ये वीक एसिड्स होते हैं। इन एसिड्स को हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स, ये बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, और ये कैसे होते हैं, वीक एसिड्स, दीज आर वीक एसिड्स। तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स वो एसिड्स हैं जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। अब स्ट्रॉन्ग कैसे पता चलेगा कि ये स्ट्रॉन्ग है या वीक है, उसको पता लगाने के लिए हमें एक चीज देखनी होती है इसके अंदर। आप लोग खुद तो नहीं देख सकते उसको, लेकिन उसमें देखने का एक तरीका है कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं वो जनरली जो एसिड्स होते हैं वो एच आयन डेटोकेट करते हैं, एच आयन फॉर्म करते हैं। अगर ये एच आयन फॉर्म कर रहे हैं तो वो क्या है, एसिड। कोई भी आपका कंपाउंड है अगर वो एच आयन डेटोकेट कर रहा है तो वो क्या है, एसिड। अब अगर ये ज्यादा एच आयन डेटोकेट कर रहे हैं तो है स्ट्रॉन्ग एसिड, अगर कम एच आयन प्रोड्यूस कर रहे हैं तब वो क्या है, वीक एसिड। यानी एच आयन जो करता है उसको जब हम अलग करते हैं, मान लो हमने इलेक्ट्रिसिटी पास कराई, HCl है एक एसिड है, अब एसिड के अंदर जो एच आयन प्रोड्यूस कर रहा है वो क्या है, एसिड, ठीक। अब जो एच आयन, अब एच आयन जो ज्यादा प्रोड्यूस करे, यानी जितने भी इसके अंदर एच है वो सारे के सारे डेसोसिएट हो जाए, अलग हो जाए, तब वो कहलाएगा स्ट्रॉन्ग। और वीक एसिड कब कहलाएगा, जब सारे के सारे एच आयन अलग ना हो। जैसे मान लो CH3COOH, ये है एसिटिक एसिड, CH3COOH एसिटिक एसिड है। अब जब हम इसको इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं तो इसमें आयन फॉर्म होते हैं CH3COO और एच आयन, ये दो बनते हैं, ठीक है। अब इसको जब कराएंगे तो ये बन जाएगा H प्लस आयन और Cl माइनस आयन। ये डेसोसिएट कब होगा, जब हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कराएंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कराने से क्या होगा, इसमें ये एच आयन अलग नहीं होगा, ये जो एच आयन है, यहाँ जो एच है वो अलग नहीं होगा, तो इसमें क्या हुआ, ये वीक एसिड। अब इसमें जितने भी एच थे वो सारे अलग हो गए, तो ये क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग एसिड। ऐसे ही अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड्स की बात करें तो हम डिवाइड कर सकते हैं कि मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड्स तो वो एसिड्स होते हैं जिनमें पूरी तरह एच आयन डेसोसिएट हो जाते हैं, और वीक एसिड वो एसिड होते हैं जिसमें पूरी तरह एच आयन डेसोसिएट नहीं हो। अब जो ज्यादा एच आयन प्रोड्यूस कर रहा है वो हो गया स्ट्रॉन्ग, और एक हमने पढ़ लिया वीक। स्ट्रॉन्ग एसिड हो गए हमारे मिनरल एसिड, मिनरल एसिड को कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, और वीक एसिड हो गए ऑर्गेनिक एसिड, जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस से बन रहे हैं
या नेचुरल सब्सटेंस से बनते हैं। इसके अलावा एक और क्लासिफिकेशन है बेटा, कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट। कंसंट्रेटेड एसिड कौन से होते हैं? इसमें से कोई से भी एसिड को हम चाहे स्ट्रांग हो या वीक हो, उनको हमें डाइल्यूट करना होता है। डाइल्यूट कैसे कर सकते हैं? आप घर पे आपने नींबू का रस निचोड़ा, इसके अंदर मान लो आपने नींबू निचोड़ लिया, अब उसके बाद आपने नींबू के अंदर वाटर ऐड किया, तो आपका क्या बन गया? डाइल्यूट हो गया। जो एसिड है सिट्रिक एसिड, वो कैसा हो गया? डाइल्यूट हो गया। और जब वो केवल आपका नींबू का जूस था, तब वो क्या क्या हुआ? लेमन जूस केवल क्या हुआ? तब वो कंसंट्रेटेड। अब मान लो ये एसिड है, अब एसिड में अगर वाटर ज्यादा है तो ये क्या है? अगर वाटर ज्यादा है तो वो डाइल्यूट है, अगर एसिड ज्यादा है तो वो कॉन्सेंट्रेटेड। तो हमें कॉन्सेंट्रेटेड एसिड जो होता है उसको डाइल्यूट करना पड़ता है। तो डाइल्यूशन का भी एक तरीका है, मान लो आपने इसके अंदर एसिड लिया है और आपको इसको डाइल्यूट करना, तो इसको डाइल्यूट करने का तरीका ये नहीं है कि इसमें सीधे पानी डाल दें, ऐसे नहीं कर सकते आपने। इससे क्या होगा, एसिड स्प्लैश हो जाता है, क्योंकि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट एनर्जी इवॉल्व होती है, बाहर निकलती है। तो जो हीट एनर्जी बाहर निकलती है, हीट एनर्जी इवॉल्व होती है, उस हीट एनर्जी को कैसे रोके? तो उसके लिए तरीका ये है कि आपने एक बीकर में पानी लिया और पानी में स्लोली स्लोली हम क्या करेंगे? एसिड मिक्स करेंगे। धीरे धीरे हम क्या करेंगे? एसिड मिक्स करेंगे। उसको लगातार चलाते रहेंगे तो जितनी भी हीट एनर्जी है वो वाटर एब्जॉर्ब कर ले। तो डाइल्यूट करने का तरीका ये है कि एड वाटर, एड एसिड इन वाटर, नॉट वाटर इन एसिड। तो आपको क्या करना है कि वाटर के अंदर क्या करना है? एसिड को ऐड करना है, तो वो ऊपर आंखों में नहीं आएगा। तो ये हो गया हमारा डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड। ये हम लैब में यूज करते हैं, लैब में दोनों एसिड्स आपको प्रेजेंट मिलते हैं, डाइल्यूट भी मिलते हैं और कंसंट्रेटेड। किसी रिएक्शन में हमें कॉन्सेंट्रेटेड यूज करना पड़ता है, किसी में डाइल्यूट यूज करना पड़ता है। और इसको कैसे डाइल्यूट करेंगे वो भी मैंने आपको बता दिया। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड भी आपने पढ़ लिया। अभी हम पढ़ते हैं कि एसिड और बेस में बेसिकली डिफरेंस है क्या। तो जो एसिड्स होते हैं, एसिड्स होते हैं वो एच आयन प्रोड्यूस करते हैं, और जो बेस होते हैं वो ओ एच आयन एसोसिएट करते हैं। कुछ एसिड्स के नाम लिख देती हूँ, जैसे HCl है, H2SO4 है, एक है HNO3 है। ये कहते हैं कौन, ये सारे एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड। वीक एसिड में लिख लेते हैं CH3COOH है, ये वीक एसिड। अब ये क्या करेंगे, सब इसमें H कॉमन है इन सब में, तो यानी क्या करेंगे, ये H आयन एसोसिएट करते हैं। अब यहाँ आ जाते हैं बेस पर, बेस कौन से होते हैं? जो OH आयन एसोसिएट करते हैं, यानी उसमें OH आयन होना चाहिए। तो जैसे NaOH, ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। तो ये हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। फिर KOH हो गया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। फिर हो गया CO। बच्चों हम बेसिस को देख रहे थे, ये क्या है? दीज आर द बेस। अब इसमें क्या कॉमन है? OH कॉमन है। तो जब OH कॉमन है तो ये क्या प्रोड्यूस करेंगे? हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करेंगे। तो दीज आर बेसिस। अब इसमें भी स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं और वीक बेसिस होते हैं। स्ट्रॉन्ग बेसिस वो है जो स्ट्रॉन्ग मेटल से मिलकर बने। यहाँ क्या है, ये Na मेटल है, पोटेशियम मेटल है, कैल्शियम मेटल है। तो जिसके अंदर ये स्ट्रॉन्ग होगा तो वो भी, ये पार्ट स्ट्रॉन्ग होगा तो ये भी पार्ट स्ट्रॉन्ग होगा। तो ये ऊपर वाले जितने भी ये सब क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस। अब स्ट्रॉन्ग बेस क्या है? वो होते हैं जो ज्यादा OH आयन एसोसिएट करेंगे, और जो कम OH आयन एसोसिएट करेंगे वो वीक बेस होंगे। तो हमें बस ये पता होना चाहिए कि ये OH आयन ज्यादा एसोसिएट करेंगे तो स्ट्रॉन्ग हो गए, अगर OH आयन ज्यादा एसोसिएट करेंगे तो वीक। और दीज आर द लिटमस पेपर। लिटमस पेपर से हम टेस्ट करेंगे वेदर द गिवन सब्सटेंस इज एसिड और अ बेस। अब हम आ जाते हैं बच्चों केमिकल प्रॉपर्टीज पर, एसिड और बेस की केमिकल प्रॉपर्टीज। इंडिकेटर्स आपने पढ़ लिए हैं, अब हम आ जाते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं एसिड बेस की, फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज है एसिड रिएक्ट विद मेटल। अगर एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है, जनरली बेटा आपको जितनी भी रिएक्शन करनी है HCl के साथ
या फिर H2SO4 के साथ करेंगे। इसे बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड और इसे बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रिएक्शन करी आपने ZN के साथ, आप दोनों की कर सकते हैं, रिएक्शन हो जाएगी ZnCl2+H2। यहाँ रिएक्शन हो जाएगी ZnSO4+H2। तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, इन दिस रिएक्शन हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व। तो हाइड्रोजन गैस कैसे टेस्ट करेंगे? बाय पॉप साउंड। यानी कि जब ये हाइड्रोजन गैस, जब हमने क्या किया कि एसिड के अंदर कोई भी मेटल डाला, मान लो ये एसिड है, ठीक है, अब इसके अंदर हमने थोड़ा सा जिंक मेटल ऐड कर दिया। अब जब हम ऐड करेंगे तो यहाँ पर केमिकल रिएक्शन आप लोगों को दिखाई देने लगी। तो जो केमिकल रिएक्शन आप लोगों को दिखाई दे रही है, इतनी दूर से शायद आपको शो ना हो, तो जो रिएक्शन आप लोगों को दिखाई दे रही है, तो उस रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है। अब हम इसको बंद कर देंगे मान। अब जलती हुई जब माचिस की तिल्ली के पास लेकर जाएंगे तो साउंड प्रोड्यूस होगी, पॉप साउंड। तो साउंड से आइडेंटिफाई करेंगे कि दिस गैस इज हाइड्रोजन। तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? दिस गैस इज हाइड्रोजन बाय पॉप साउंड। ओके, तो हमने आज फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ी है, केमिकल प्रॉपर्टी, व्हेन एसिड रिएक्ट विद नट एंड फॉर्म हाइड्रोजन गैस।